हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटरनेशनल योगा दिवस के अवसर पर जो हमारे गंगा घाट किनारे पर जो योग शिविर लगी हुई है उसके कुछ क्लिप्स। तो आप देख पा रहे हो कितना बहुत बड़ा सा स्पेस है और यहाँ बहुत सारे योगा मैट्स लगा दिए गए हैं। और अभी यहाँ पर वेट हो रहा है कि DC सर आएंगे तो फिर ये इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये शिविर को स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठे हो गए हैं और धीरे धीरे गाँव के लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और बिल्कुल गंगा घाट किनारे पर ये लगाया गया है शिविर, तो यहाँ का जो एयर है वो कितना प्योर होगा आप सोच सकते हो। बिल्कुल गंगा घाट के किनारे जो एयर है वो कितना प्योर और कितना शुद्ध होगा। तो आज जो योगा होगा वो बहुत ही यादगार होगा क्योंकि हमारे गांव में ये पहली बार हो रहा है, हमारे गंगा जी के किनारे ये पहली बार हो रहा है। और देखिए बहुत अधिक मात्रा में धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग आते जा रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी वाइट कुर्ते में दिख रही है ना लेडीज़, वो सब हमारे जो योग गुरु हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी असिस्टेंट्स है। वो लोग अभी सभी को योगा का जो बुक और प्लेट्स है वो सब बांट रही हैं ताकि। और अभी सुबह का 5:30 बजे हुआ है और यहाँ पर का एयर जो है वो बहुत ही प्योर है। तो सारे लोग देखिए किस तरह इकट्ठा हुए हैं और आप देखो पीछे गंगा जी का व्यू कितना मस्त देखने को मिल रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है और यहीं पर योग गुरु योगासन करेंगे और साथ ही जो नीचे योगा मैट्स लगे हुए हैं तो सभी लोग यहाँ पर अपना उनको फॉलो अप करेंगे। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और योगा आप भी कल से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि योग है तभी हम स्वस्थ हैं। और बिल्कुल फ्री एक योगा ही ऐसा चीज़ है जो हमें बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो क्यों ना फ्री का लाभ उठाया जाए और योगा करना स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल बटन दबाना नहीं भूलना ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चला जाए। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को एंजॉय करें। तो देखो पीछे कितना सुंदर सा गंगा जी का व्यू दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही मनमोहक दृश्य था वहाँ पर। कैमरे में जो कुछ भी कैप्चर हो पाया है वो मैंने आपको दिखाया है। तो गाइज आप इंजॉय करो और बाय बाय, थैंक यू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्च दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए अब हम लोग इसी आसन में बैठे हुए सबसे पहले थोड़ी देर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह करना है, 2.5 से 3 सेकंड में डायफ्राम को थोड़ा सा फूलना चाहिए। अब जो आसन करेंगे बैठ के, अब धीरे धीरे अपने सभी अपने आसन, और योग ही ऐसी विधा है जो निःशुल्क पूर्वक आप स्वास्थ्य भी रह सकते हैं। चलिए पिंगला और पागल पिंगला में घर्षण होती है, दोनों भवों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाता है लोग, वही दिव्य ज्योति खुलती है, त्रिनेत्र जो कहता है। तो हम हरेक मनुष्य में उस त्रिनेत्र को जागरण करने की शक्ति है, उसको करेंगे अनुलोम विलोम तो आपकी दिव्य ज्योति भी जगेगी। इसीलिए अनुलोम विलोम पूरा मस्ती में कीजिए, कभी भी नींद भी नहीं आती हो, चिड़चिड़ाहट होते हो तो आप ले
नीचे दो और एक बार एक दो और एक बार एक दो वापस